अगर जिंदगी में एंटरटेनमेंट ना हो तो जिंदगी अधूरी सी लगती है। और एंटरटेनमेंट की अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो वो है फिल्म इंडस्ट्री। आज के हालात में इसके बगैर कल्पना करना भी बेकार है। जब बात हो फिल्मों की तो फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का कारण डायरेक्टर को भी जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि डायरेक्टर अच्छा हो तो फिल्म भी काफी अच्छा बिजनेस कर लेती है। पर अगर आपको पता चले कि ऐसे ही एक फिल्म डायरेक्टर को जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि उस पर इल्जाम था कि इस आदमी ने अपनी मूवी के सीन को रियल दिखाने के लिए अपने एक्टर्स को रियल में मार दिया था। इटली के इस फिल्म मेकर का नाम लगरो देवदातो है, जिसने 1980 में एक हॉरर मूवी बनाई थी जिसका नाम था कैनिबल होलोकॉस्ट। दर्शकों ने जब इस मूवी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सच में एक टर्स की मौत हो रही हो, और शक और भी बढ़ गया जब फिल्म का कोई भी एक्टर इस फिल्म के बाद कहीं नहीं दिखा, और सभी को लगा कि फिल्म मेकर ने अपने फायदे के लिए सभी एक्टर्स की जान ले ली, जिसके कारण फिल्म मेकर रगरो देवदातो को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर उम्र कैद की सजा सुनते ही इस डायरेक्टर ने वो सभी एक्टर्स कोर्ट में पेश कर दिए। एक्टर्स से पूछा गया कि वो इतने देर तक कहां थे, तो उन्होंने बताया उन लोगों को डायरेक्टर ने ही कहा था कि फिल्म रिलीज होने के बाद एक साल तक पब्लिक में दिखने के लिए मना किया था। ऐसा करने के लिए इन एक्टर्स को पैसे भी दिए गए थे ताकि फिल्म का माहौल रियल लगे और कंट्रोवर्सी से फिल्म और हिट हो। पर जब बाद उम्र कैद तक चली गई तो सभी एक्टर्स को सामने आना पड़ा। इसके बाद रगरो देवदातो को बरी कर दिया गया। इस डायरेक्टर की किस्मत थी कि यह गलती इसने इटली जैसे देश में की और इसे सजा नहीं मिली। अगर भारत में करता तो इसे 420 का केस पड़ता और सजा के साथ जुर्माना अलग से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।